भक्तों, इस ब्लॉग के भाग एक में आपने अब तक देखा अजमेर से पुष्कर तक का सफर तथा ब्रह्मा मंदिर की कहानी को भी हमने जाना, और भाग दो में पुष्कर सरोवर के धार्मिक महत्व को भी हमने समझा। भक्तों, हम पुष्कर झील में नहाने के बाद हम चलेंगे ब्रह्मा जी की पत्नी माता सावित्री के मंदिर। भक्तों, आप देख सकते हैं कि रास्ते में भक्तगण सेल्फी के साथ एंजॉय करते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। भक्तों, आपको ये भी बता दें कि पुष्कर झील से सावित्री मंदिर 3 किलोमीटर और 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। ब्रह्मा मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और पुष्कर बस स्टैंड से मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर पे है। भक्तों, आप सामने देख सकते हैं रत्नागिरी की वही पहाड़ है जिस पे माता सावित्री जी का मंदिर है। भक्तों, रत्नागिरी की पहाड़ की ऊंचाई 750 फीट है, जहां पहुंचने के लिए 650 सीढ़ियां चढ़नी होती है। यही वजह है कि यहां आने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सुबह की वक्त इस ऊंचाई से उगता हुआ सूरज देखा जा सकता है। इसीलिए ढेरों लोग ये दृश्य देखने के लिए सुबह के समय ही यहाँ आते हैं। भक्तों, आप सामने देख सकते हैं सीढ़ियों के जरिए सावित्री मंदिर तक जाने का रास्ते हैं, मगर हमें ब्रह्मा जी का दर्शन भी करना है, इसीलिए हम समय बचाते हुए रोपवे से जाना पसंद करेंगे। तो चलते हैं भक्तों रोपवे की तरफ। तो भक्तों, साथ में आपको ये भी बता दें कि मंदिर की ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर तक आने के लिए सीढ़ियों की बजाय रोपवे से जाना सही रहेगा। रोपवे के किराया आने जाने का 100 रुपये की है। हम रोपवे के टिकट ले चुके हैं, तो हम चलते हैं रोपवे में बैठने के लिए। भक्तों, इस रोपवे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 27 अक्टूबर 2006 में वन मंत्रालय ने सावित्री माता पहाड़ी पर रोपवे शुरू करने की स्वीकृति जारी की थी। इसके पश्चात 2 मार्च 2015 को जिला कलेक्टर एवं कार्यकारी एजेंसी के बीच लाइसेंस एग्रीमेंट के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को पुष्कर में सावित्री माता मंदिर की पहाड़ी पर 12 करोड़ रुपए की लागत से बने इस रोपवे का शुभारंभ किया था। यह राजस्थान का तीसरा रोपवे के रूप में जाना जाता है। इसकी लंबाई 700 मीटर है। भक्तों, रोपवे का समय सुबह 7:30 बजे से रात को 8 बजे तक का है। तो हम चलते हैं रोपवे में बैठने के लिए। भक्तों, हम रोपवे से पूरा पुष्कर का नजारा आपको अवश्य दिखाएंगे और साथ में भक्तों सावित्री माता के दर्शन भी करेंगे। उसके बाद भक्तों हम ब्रह्मा जी के दर्शन भी करेंगे। हम ये सब दिखाएंगे भक्तों पुष्कर यात्रा के लास्ट ब्लॉग में, यानी इस ब्लॉग के भाग 4।